सर आज जिग्नेश मेवानी ने गुजरात के अंदर एक इस तरीके का कि माहौल खड़ा कर दिया कि जो लोग कहते थे कि हम बाबा साहब के लिए काम करेंगे, हम उन मानवर कांसी राम साहब के लिए काम करेंगे, लेकिन उन्होंने काम करके नहीं दिखलाया। लेकिन आज जिग्नेश मेवानी ने जैसे गौ हत्या हुई थी या गौ पे लोगों के कत्लेआम किया गया था और लोगों को मारा गया दलित समाज को, आज उन्हीं की बात उठाने के लिए आज वो विधानसभा के अंदर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं जिग्नेश मेवानी जो हमारा यंग एनर्जेटिक और डायनेमिक उभरता हुआ हमारा समाज का एक प्रतिनिधि है, हमारा भाई है, हमारा बच्चा, हमारा नेता है, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने निर्दलीय एक हैसियत से उन्होंने चुनाव लड़ा और भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट को 20-25 हज़ार वोटों से हरा करके एक इतिहास बनाया है। तो ये केवल जिग्नेश मेवानी जी की जीत नहीं, बल्कि मैं तो इसे पूरे समाज की जीत मानता हूँ और पूरे समाज को मैं आह्वान भी करता हूँ कि जिग्नेश मेवानी का पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी संभव हो उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये जीत हासिल करके पूरे समाज के गौरव को बढ़ाया। जहाँ तक अभी आपने कहा कि यूथ्स क्या चाहते हैं, देखिए यूथ्स तो परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं और परिवर्तन एक मतलब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कल भी एक सवाल हो रहा था कि भाई ये ईवीएम से चुनाव जीता गया या लोगों ने मैंडेट दिया, तो ये तो जांच का विषय है, ये सवाल हम और आप यहाँ बैठ के तय नहीं कर सकते कि लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जो भी हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन गुजरात की राजनीति के अंदर दलितों की जो कहीं पूछ नहीं थी, उनको कोई पूछता नहीं था, आज जिग्नेश मेवानी जैसे हमारे साथियों के प्रयासों से आज गुजरात के स्तर पर हम बात न करें बल्कि हम राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो आज एक पहचान SC ST समाज की एक पहचान बनी है। और इसके लिए जो हमारी टीम है जिग्नेश मेवानी जी और उनकी पूरी जो टीम है, उस एंटायर टीम को मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलेंगे और समाज के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, गुजरात के अंदर जब गाया को लेकर एक जब हत्या कर दी गई थी और जो उनको एक काम सौंपा जाता था मरे हुए जानवरों की वो खाल को या हड्डियों को इकट्ठा करने का काम, जब उन्होंने छुड़वाने की बात की तो बहुत लड़ाई झगड़े हुए और उनको बंद करने की भी बात आई। जिस तरीके से सहारनपुर के अंदर चंद्रशेखर ने जब दलितों पर अत्याचार हो रहे थे उन्हें रोकने की बात की गई तो उन्हें आज जेल के अंदर डाल दिया गया। ये तो अन्याय है, ये तो साफ तौर पर जिस तरीके से हमारे समाज के चार युवकों की पिटाई हुई, मैं भी राजकोट गया, राजकोट के अस्पताल में उन बच्चों से मैं भी मिल के आया, उनको जो भी सहयोग हो सकता था हमने अपने संगठन के माध्यम से उन बच्चों को, जब हम हॉस्पिटल में गए और एक एक बच्चे से जिसकी पिटाई हुई उससे मिले और हमने अपनी राजकोट की जो हमारा संगठनात्मक टीम है उसको आदेश किया कि इनको हर प्रकार का सहयोग आप वहाँ पर दीजिएगा। तो मैंने ये देखा कि वो अमानवीय जो व्यवहार किया कि आज इस तरीके से बड़ा खुले रूप में शहर के बीचों बीच ला कर के हमारे समाज के चार नवयुवकों की जिस तरीके से पिटाई की गई और सब मूक दर्शक बन के वहाँ का पुलिस प्रशासन देखता रहा, निश्चित रूप से भाई ये तो मतलब प्रजातंत्र डेमोक्रेसी एक वर्ड हम भारत में के संविधान में मतलब उसका जितना बड़ा मजाक बनाया जा सकता था वो मजाक उसका बनाया गया। और मुझे लगता है कि जो परिवर्तन हुआ है, जिग्नेश मेवानी जी की जो जीत हुई है, जिस तरीके से उन्होंने समाज की आवाज़ को उठाया, मुद्दों को उन्होंने उठाया और उठा करके मजबूती के साथ में वो बात को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में कामयाब रहे, मुझे लगता है कि समाज के लोगों ने उनको जो समर्थन दिया है वो समाज की जिम्मेदारी थी और समय की आवश्यकता थी। और आने वाले समय में हम लोग मिल करके सब लोग, न केवल ये जिग्नेश मेवानी जी की जिम्मेदारी है बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमारा जो भाई चंद्रशेखर है जो सहारनपुर की जेल में बंद है, अब देखिए हम तो गृह मंत्री जी से भी मिलने वाले हैं इस विषय को लेकर, चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने वाले हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन, और हम उसे ये कहने वाले हैं कि जब हाईकोर्ट इलाहाबाद ने ये बात लिखित में कर दी और उनका बेल ग्रांट कर दिया और जुडिशियल सिस्टम में स्टेट का सबसे बड़ा अगर कोई कोर्ट है तो हाईकोर्ट होता है और हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी, उसके बावजूद अगले दिन जिला कलेक्टर के द्वारा रासुका का लगाना कितना मतलब कितना अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, कितनी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, ये कार्रवाई की हम अपने महासंघ की तरफ से घोर निंदा करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारतीय गृह मंत्री जी से हम मांग करते हैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि साहब ये जो रासुका का आपने लगाया है ये बिल्कुल, ये तो हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जो बेल ग्रांट किया है उस जजमेंट के बिल्कुल खिलाफ आपका निर्णय है, ये निर्णय आपको बदलना चाहिए, रासुका को आपको वापस लेना चाहिए, उठाना चाहिए और जिस तरीके से दूसरे लोगों की जमानत हुई है केस के अंदर उसी तरीके से चंद्रशेखर जी की भी जमानत जो है
दे करके उनको जेल से बाहर आने का एक अवसर आपको देना चाहिए। कारण यह है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, सामाजिक आंदोलन करने वाला आदमी कोई क्रिमिनल आदमी तो होता नहीं है। समाज की आवाज़ उन्होंने उठाई है, समाज के साथ अन्याय हुआ है, समाज के लोगों के घर जलाए गए हैं, समाज के लोगों को काटा गया है, समाज के लोगों के पशुओं को जलाया गया है, इतना बड़ा अन्याय वहाँ पर जाति विशेष के दूसरे लोगों ने किया है। अरे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आप गरीब तबके के जो लोग जो अपने हकों की बात कर रहे हैं, अगर आप उनका दमन इसी तरह करते रहेंगे तो ऐसा ना हो कि दमन किसी दिन प्रतिशोध में बदल जाए, जैसा अभी मैंने अभी कहा। और समाज के अंदर जो क्रिया प्रतिक्रिया का दौर अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब तक सब ठीक इसलिए चल रहा था कि क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं थी, आप लोग अन्याय कर रहे थे और उसको सब लोग झेल रहे थे। अब क्या है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई, यानी आप अन्याय करते हो तो अन्याय का जवाब आपको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। वो शायद इस देश के सामाजिक जो व्यवस्था उसको शायद मंजूर नहीं है, और उसी की दमन प्रक्रिया में इन्होंने चंद्रशेखर जैसे हमारे जांबाज साथी को जेल के अंदर आसुका के तहत बंद कर दिया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद है उसने ऑलरेडी उनकी बेल ग्रांट कर दी है। और ये सरकार का दमनकारी जो कदम है इसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को इसमें एक पहल करनी चाहिए और चंद्रशेखर आज़ाद को तुरंत जो है बेल पर रिहा करना चाहिए। चौधरी साहब, युवाओं के लिए क्या अपील करेंगे, जैसे कि अभी चंद्रशेखर ने एक विजय प्राप्त किया था, और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो समाज में जो हमारा, क्योंकि मैं एससी एसटी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, उन्हीं के बारे में सोचता हूँ, उन्हीं के बारे में काम करता हूँ। मेरा पिछले 35 साल का जो भी अनुभव है वो अपने एससी एसटी समाज के प्रति समर्पित मैं रहा हूँ, और आगे भी मेरा बचा हुआ जो भी जीवन है मैं अपनी कौम के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहता हूँ। अपने कौम के रूप में अगर मैं भारत के एससी एसटी दलितों के लिए काम कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से वो भारत के ही नागरिक हैं, भारत के मूल नागरिक हैं, उनके लिए काम करना यानी भारत के लिए काम करना है, तो इसमें किसी प्रकार की गलत बात नहीं है। और हम लोग, जैसा हमने कहा कि हमने 5 बच्चे SC, 5 बच्चे ST, 5 बच्चे OBC, 5 बच्चे मुस्लिम, 5 बच्चे जनरल, हम 25 बच्चों को IAS का कोचिंग दे रहे हैं, तो इसका अमल हम पूरी तरीके से व्यवहारिकता में धर्मनिरपेक्ष हम सोच को लेकर के चल रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भारत राष्ट्र के विकास की बात जो लोग कर रहे हैं, जो भारत देश को चलाने की जिम्मेदारी, कि आज सौभाग्य की बात देखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी वो भी गरीब तबके से हैं, आज भारत के राष्ट्रपति वो भी गरीब तबके से हैं, भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति गरीब तबके से हैं, जो गरीबों की पीड़ा को समझते हैं, उन्होंने जिया है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि राष्ट्राध्यक्ष हैं, शासन अध्यक्ष हैं, वो शासन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, वो भी गरीब तबके से आते हैं और गरीबों की आवाज़ को भली भांति वो समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। और मैं ये कहूँगा गरीबों के लिए ये जो काल है इस समय का स्वर्णिम काल कहा जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, और इनके दोनों के रहते हुए मैं उम्मीद करूँगा कि भारत के अंदर जो भी हमारा दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज है, शेड्यूल ट्राइब समाज है, ओबीसी समाज है, गरीब समाज है, इनकी समस्याएं अगर इस समय दूर नहीं हुई तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में फिर कोई ऐसा स्वर्णिम काल आएगा। तो मैं इन दोनों से यही उम्मीद करूंगा, माननीय रामनाथ कोविंद जी से, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि वो इस समय का सदुपयोग करें और गरीबों के उत्थान के लिए चहुमुखी विकास करें, पूरे देश का एक एक गरीब आदमी SC ST OBC सब उनके साथ में कंधे से कंधा खड़ा हुआ है, राष्ट्र के विकास में उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के सहयोग करने के तैयार है, बस आवश्यकता उनके द्वारा एक हाथ बढ़ाने की है। जैसे वो आगे हाथ बढ़ाएंगे और इन लोगों का हाथ पकड़ के इन्हें ऊपर खींचने का काम करेंगे, इस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता और भारत देश दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे समृद्ध देश बनेगा, मेरी ऐसी कामना है। चौधरी साहब, आपने कोविंद जी की बात की और महामहिम हैं हमारे इस भारत के और प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन सर आपको ये जानकर एक बड़ा एक आश्चर्य होगा, और आपने मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सुना होगा, जब गुजरात के अंदर जब दलितों पर एक अत्याचार हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दलितों को मत मारो, मेरे सीने पे गोली मारो। एक इतना बड़ा, जिसको आपने इतना अच्छी संज्ञा दी और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, एक जो हमारे प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष आपने बताया कि अगर थोड़ी सी अपनी गाइडलाइन को अगर उनको ये कह दिया जाता कि भाई इनको जिन्होंने इस तरीके से कांड किया है, जिन्होंने मारा है, उनको सजा दी जाए, तो वो खुद अपना बचाव कर रहे हैं। देखिए, मैं
मैंने आपसे ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो अपना कार्य करने का तरीका है वो अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, और मैंने उसी में से एक उम्मीद ढूंढी है। मैंने प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया है, राष्ट्रपति जी को अनुरोध किया है कि ये एक गरीब समाज के लोगों के लिए स्वर्णिम काल है, जब गरीब समाज का आदमी प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है, गरीब समाज का आदमी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा है। माननीय रामनाथ कोविंद जी तो हमारे आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, जब हम लोग महासंघ के माध्यम से परिसंघ के माध्यम से आंदोलन चला रहे थे तब वो राज्यसभा के मान्य सांसद थे, और उन्होंने कई बार भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब से हमारी बैठकें कराई, और हमारे कई बैठकों का वो हिस्सा रहे हैं। हमारी अटेंडेंस उपस्थिति रजिस्टर में उनकी कितने ही मीटिंग्स में सिग्नेचर हैं, क्योंकि जब जब भी हमने सांसदों को मीटिंग के लिए बुलाया माननीय रामनाथ कोविंद बतौर सांसद हमारी बैठकों में हिस्सा रहे हैं, उनका उसमें बराबर भागीदारी रही है, उनका बड़ा मार्गदर्शन रहा, क्योंकि हम रामनाथ कोविंद जी को बड़े नज़दीक से जानते हैं कि समाज के प्रति उनके मन में दर्द है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो अपने भाषणों में हमेशा क्लेम करते हैं कि वो खुद गरीब ताल्लुक परिवार से आते हैं और गरीबों के प्रति, गरीबों की जो सुरक्षा है, गरीबों के प्रति जो जिम्मेदारी है, वो अपने भाषणों के माध्यम से समय समय पर बताते हैं। तो मैं दोनों ही हस्तियों को ये अनुरोध करूंगा कि आज ये गरीब लोगों के लिए स्वर्णिम काल है कि गरीब समाज के दो व्यक्ति जो कि भारत के सर्वोच्च पदों पर पदासीन हैं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, वो इस समय पर गरीबों के लिए सोचें, उनके चहुंमुखी विकास के लिए अपना कार्यक्रम तैयार करें, और जिस तरह भी संभव हो सकता है, क्योंकि आज वो सत्ता में है, आज उनके पास पावर है, गरीब समाज के लोगों के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं आज उनको करना चाहिए।